भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने गए। सती जी भी स्वयं परीक्षा लेने गई थी भगवान की, तो शंकर जी भी परीक्षा लेने गए। ब्रह्मचारी के वेश में गुफा के द्वार पर पहुंचे। सवेरे सवेरे का समय, तो पार्वती जी गुफा के भीतर और उनकी 16 सखियां बाहर। इन 16 सखियों ने कहा कि बाबा कैसे, ब्रह्मचारी बाबा कैसे, बस दर्शन करना चाहता हूं। महाराज क्या दर्शन करोगे, तपस्या में अस्थि मात्र हुए रहे हो शरीर, तब तो और अच्छा है, आनंद पूर्वक दर्शन करूंगा। ठीक है महाराज, लेकिन वे तो सूर्य दर्शन के लिए निकलती हैं, सूर्यास्त के समय निकलती हैं, तभी दर्शन कर लेंगे। ठीक है, शंकर जी रुक गए, सखियां प्रतीक्षा करने के लिए वचन दे चुकी, शाम को निकलेंगी तब दर्शन करना। ब्रह्मचारी रुके रहे, थोड़ी देर में बोले, ये सरोवर में पुष्प बड़े सुंदर हैं, कमल के पुष्प तोड़ लें। हाँ हाँ महाराज, तोड़ो, कौन मना करता है। ब्रह्मचारी ने जल में प्रवेश किया, एक पुष्प तोड़ा, दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया, तीसरे में डूबने लगे। अरे मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं, कोई बचाओ कोई बचाओ। तो सखियां दौड़ी, नहीं 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 नहीं, तुम लोग मेरा स्पर्श मत करना, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, मुझे मर जाने दो। अब तो देवियों ने देखा कि ब्रह्मचारी प्राण दे रहा है, तो निश्चय लख ब्रह्मचारी का सखियां गई ही हार, श्री गिरिजा की गुफा पर देने लगी पुकार। सरोवर में कमल के पुष्प लेने गया, एक ब्रह्मचारी डूब रहा है, आप जल्दी चलो। पार्वती जी बाहर निकली, मैंने तुम्हें तैरना सिखाया है। हां हां, पर ब्रह्मचारी कहता है कि नहीं नहीं, दे बाम हाथ की टेक करो मत, अपमान एक ब्रह्मचारी का। अच्छा मैं जाती हूं। पार्वती जी गई, बायां हाथ आगे बढ़ाया। शंकर जी ने कहा कि डूब जाने दो, बायां हाथ आगे मत बढ़ाओ, दायां क्यों नहीं बढ़ाते। पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो मैं अपने पति के निमित्त अर्पित कर चुकी हूं। शंकर जी ने कहा तो जाओ, स्वार्थ देखो फिर, मुझे मरने दो, जाओ। अब पार्वती जी ने सोचा कि मैं करूं क्या, अंत में निश्चय किया, भगवान शंकर परमार्थ के लिए गंगा जी को सिर पर रखते हैं, परमार्थ के लिए सर्पों को गले का आभूषण बना के रखते हैं, और मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाऊं। निश्चय कर लिया, लो ब्रह्मचारी हाथ बढ़ाओ, दायां हाथ आगे बढ़ाया, ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया, बाहर निकाल लाई। सखियों से कहा चिता बनाओ, मैं जलकर भस्म होऊंगी। अब सखियां बहुत दुखी, भस्म ना हो मां। अब शंकर जी देख रहे, सखियां आंसू बहा रही हैं, एक एक लकड़ी लगा रही हैं, चिता बना रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि देवी ऐसा काहे को कर रही हो, अगले जन्म में भी कुछ ऐसी घटना घट गई तब। पार्वती जी ने कहा कि फिर उस ब्रह्मचारी को बचाऊंगी और अपने प्राण दूंगी, उससे अगले जन्म में वैसे ही करूंगी। कब तक, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, 1 करोड़ जन्म तक मेरा यह निश्चय है। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब अग्निदान का समय सन्निकट आया, आयो समय विनीत, जब अग्निदान को सन्निकट, तो ब्रह्मचारी के भेष में भयभूत भावन प्रकट, शंकर भगवान प्रकट हो गए।
पार्वती जी ने देखा, चरणों में सिर रख दिया। भगवान शिव को देखकर आनंदित हो गई पार्वती जी। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, रही विधि वह भी समय आने पर पूरी हो जाएगी। शंकर जी ने स्वयं परीक्षा लेकर आश्वस्त किया माता पार्वती जी को, और शिव जी अपने स्थान पर आ गए। उसी समय तारकासुर एक विकट राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव जी विवाह करें, विवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और भगवान शंकर की क्या दशा, जब से सती जी की परीक्षा ली सप्तऋषियों के द्वारा और स्वयं अपने द्वारा भी, तब से शिव जी आनंद में रहने लगे। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। अब शंकर जी बार बार सती जी का चिंतन करें, लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात है। भगवान शिव राम जी का चिंतन करते हैं। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, सुजान शब्द आया है। मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। और पहले भी, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ विरागा। यदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। सुजान तब भी है और सुजान अब भी है। तो सुजान का काम क्या है, यथा सुअंजन अंजि दृघ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सुजान वह है जो सर्वत्र सर्व काल में परमात्मा का स्मरण करे, वही सुजान है। दुख आया तो दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद की, और अब सुख आया तो सुख देने वाले परमात्मा की याद। दुख मिटाने वाले भी वही हैं और सुख देने वाले भी वही हैं। जपहिं सदा रघुनायक नामा, तब और अब लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान किया तो राम जी का ध्यान करने से समाधि लग गई, शंकर जी समाधिस्थ होकर बैठ गए। अब तारकासुर के जो मन में आए सो करें, पहले तो समाधि खुले, समाधि खुले फिर विवाह के लिए तैयारी हो, विवाह के लिए तैयारी हो तब विवाह हो, और जब विवाह हो तब पुत्र का जन्म हो, जब पुत्र का जन्म हो तब मैं मरूं। उसने ऐसी योजना बना रखी। उसका मरण ही न हो। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो बहुत उत्पात कर रहा है। तब देवराज इंद्र ने सब समाज बुलाया, तारकासुर से कैसे बचा जाए। सबने सलाह दी, पठ बहु काम जाई शिव पाही, पठ बहु काम जाई शिव पाही। काम को भेजो जो करे क्षोभ शंकर मन माही। शंकर जी समाधिस्थ बैठे हैं, उनकी समाधि में जो क्षोभ उत्पन्न करे इस काम को भेजो। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव ने कहा हमें कोई काम देव, हम तो कामदेव हैं, कोई काम।
देवराज इंद्र ने कहा मित्र इसीलिए तो बुलाया है, समाधि भंग करनी किसकी। कामदेव ने पूछा किसकी समाधि भंग करनी, देवराज इंद्र ने कहा भगवान शंकर की। भगवान शिव का नाम सुना तो कांप गया। शंकर जी की समाधि, हे भगवान शंकर जी की समाधि। अब बहुत हैरान, देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव ने कहा ठीक है, जाते हुए देख लोगे, लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। मैं चला तो जाऊंगा लेकिन समझ लो, ठीक है। कामदेव गया, अपना प्रभाव फैलाया सारे संसार में। शंकर जी की समाधि नष्ट करनी थी पर सारे संसार को परेशान कर दिया इसने। कोई धैर्य धारण न करे महाराज, इस काम ने ऐसा उत्पात किया, सबके मन मनसिज हरे, सबके मन मनसिज ने हरण कर लिए। अब श्री तुलसीदास जी ने यह लिख तो दिया, अब परेशान कि यह लिख दिया सबके मन मन से हरे, अब हनुमान जी महाराज अब मैं क्या करूं, सबके मन मन से हरे, अब इसको तो मिटाया नहीं जा सकता। तो तुलसीदास जी चुपचाप बैठे हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, महाराज आप बताओ। तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा आगे लिख दो, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल बहु। जिनको राम जी ने रख लिया, राम जी ने जिनको बचा लिया, वे काम के कुप्रभाव से बच गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल बहु। जब ऐसी प्रार्थना हुई, लता निहारी लबही तरु साखा, लताएं वृक्षों के लिए झुक गई, वृक्ष लताओं का स्पर्श करने लगे। संगम करही तलाव तलाई, जहां सी दशा जड़न के वरनी, को कही सकही सचेतन करनी। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महु। काम ने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया सर्वत्र, भगवान ने जिन्हें बचा लिया वो बच गए। अब काम ने भगवान शंकर पर प्रहार करना चाहा, सिवही बिलो की ससंख्यु मारू। अब काम को बड़ा डर लगा लेकिन सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, काम तो करते ही हैं। तरु पल्लव महारा लुकाई, करई विचार कदों का भाई। आम के पत्तों की ओट से शंकर जी के हृदय पर चोट की काम ने। छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, जागे भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी। तीनों लोक
कंपायमान हो गए जिस समय भगवान शंकर ने सौरव पल्लव मदन विलोका। अच्छा, काम ने भी शंकर जी पर चोट की, पर आम के पत्ते की ओट से। इसका अर्थ यह है कि काम जब भी चोट करता है किसी न किसी की ओट से करता है, और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है, आम है। लेकिन आम भी खास लगने लगता है, किसके कारण? काम के कारण। काम के कारण आम भी खास लगने लगता है। पर भगवान शंकर और हम लोगों में एक अंतर है, हमारी नींद लग जाती है, आंख बंद होने लगती है काम का बाण लगने से, पर शंकर जी की आंख खुल गई। काम का बाण लगा तो आंख खुल गई। जो जिसे काम सुला दे उसका नाम जीव है, और जिसको काम जगा दे उसका नाम शिव है। शंकर जी ने चारों तरफ देखा कि मेरे मन में क्षोभ, और जब चारों तरफ देखा तो सौरव पल्लव मदन विलोका, काम को देख लिया। भय को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो कंपे उतरी लोका, तब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयो जरी छारा। देखते ही काम जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया, गिर गया नीचे। रति गई, रति ने प्रार्थना की कि महाराज मेरे पति को जला दिया। भगवान शंकर ने कहा अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अब से तुम्हारा पति अनंग होगा, सबको व्यापेगा, उसका शरीर नहीं होगा। महाराज मैं तो पत्नी हूं, तो सुन निज मिलन प्रसंग, अपने मिलन का समाचार सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय पति होई तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति के वरदान की बात कही हिमांचल राज को, हिमांचल राज प्रसन्न हुए। महापुरुषों का स्वभाव होता है सासति कर पुनि कर ही पसाओ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। अब देवताओं में बड़ी हलचल, इन्होंने तो काम को जला दिया तो क्या विवाह के लिए तैयार होंगे? तो चलो पूछते हैं। देवता आए, देवराज इंद्र आए, ब्रह्मा जी को साथ लेकर आए। एक बड़े बूढ़े साथ रहे तो बात ठीक बनती है। अब सबने प्रशंसा की, देवता प्रशंसा करने लगे, शंकर भगवान आपकी जय हो, आप जैसा कोई नहीं, आप बड़े महान। आप शंकर जी समझ गए प्रशंसा तो हो चुकी, अब बताओ चाहते क्या। तो कोई बोले नहीं, ब्रह्मा जी से संकेत किया कि आप ही। तब ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है, अपने नेत्र सफल करना चाहते। नेत्र सफल, हाँ, निज नयन ने देखा चाहिए
नाथ तुम्हार विवाह 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 दे आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। अब यह नहीं कहा कि ये परेशान है तारकासुर से, नहीं, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारो विवाह, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन, आपने बड़ा अच्छा किया, काम जारी रति कहूं बर दीना, ये बड़ा अच्छा किया, लेकिन देवाधिदेव विवाह। बोले बाबा बोले एव मस्त होगा। जैसे ही कहा सो देवताओं को खुशी भी हो और आश्चर्य भी हो, आपस में कहें कि इन्होंने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार, यह बात समझ में नहीं आ रही। एक ने कहा अपने को समझने से क्या मतलब, अपना काम बन गया। नहीं नहीं सो तो ठीक है, लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए, तो समझा तो नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है भाई, ये काम को जला दिया विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा तुम समझोगी नहीं, तुम सब हो देव, ये है महादेव, देवताओं को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन शंकर जी ने कहा क्या बात है, अब सब चुप। शिव जी ने कहा बोलो बोलो क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ बोलो, देवता यह पूछना चाह रहे हैं कि आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। शंकर जी हंसने लगे, हंसते हुए बोले कि सभी लोग परेशान थे कि काम को जला दिया और विवाह के लिए क्यों तैयार, यही प्रश्न है ना। हाँ तो सुनो, मैंने काम को तो जला दिया, मैं काम की इच्छा से विवाह के लिए नहीं जा रहा, मैं तो राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहा हूं, और इसीलिए विवाह दो तरह के होते हैं, विवाह और विवाह, जिसके बाद वाह 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 बनी रहे सो विवाह, और जिसके बाद वाह नहीं आह होती रहे विवाह। तो जब काम की प्रेरणा से विवाह होगा तो विवाह आह आह बनी रहेगी, और जब राम की प्रेरणा से विवाह होगा तो वाह 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 बनी रहेगी। तो शंकर जी ने कहा मैं तो राम जी की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। देवता बड़े प्रसन्न हुए, वे हर्षित होकर अपने अपने धाम को गए, और हम लोग भी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण ए। शंकर जी ने काम को जला दिया पर राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहे हैं, ये राम भगत कर लक्षण एहू। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।